पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नाम पिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्म पिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ शिवाय नमः, शिवलिङ्गाय नमः। नारायण बृहदारण्यकोपनिषद एक एक पृष्ठ 20। पृष्ठ 21। आनंदगिरि टीका दूसरे पैरे। कालादिदृष्टिरश्वांगेषु किमिति क्षिप्यते, अश्वांगदृष्टिरेव तेषु किं न स्यात् इत्याशंक्याः कर्मांगस्येति। कर्मांगस्य पशो संस्कर्तव्यत्वात् कालादिदृष्टयः शिर आदिषु क्षिप्यन्ते। भाष्यकार के हर भावों को प्रस्तुत करना, उसको हृदयंगम कराने की भावना से शंका या पूर्व पक्ष को प्रस्थापित करना आनंदगिरि जी का स्वभाव है। बहुत संक्षिप्त विधा का आलंबन लेकर इन्होंने टीका या विवरण की संरचना की। शंकर भाष्य के अंतरंग रहस्य को अभिव्यक्त करने में आनंदगिरि जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उपमान उपमेय में व्यत्यास ही क्यों न हो, यह एक प्रश्न उठाया। अश्व के अंगों में काल, लोक, देव की दृष्टि न करके काल लोक देव में ही अश्व की भावना या अश्व के अंग प्रत्यंग की भावना क्यों न करें। इसका उत्तर देते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में मुख्य घटक अश्व है, जो कि एक पशु विशेष है। उसका संस्कार अपेक्षित है। लोक देव और काल को संस्कृत करने का प्रसंग नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का जो मुख्य घटक
अश्व है उसको संस्कृत करने का प्रसंग है। अतः अश्व में ही कालादि की दृष्टि कर्तव्य है। कल बताया था कि जीवन में संस्कार का बहुत महत्व होता है और जिस व्यक्ति को किसी भी वस्तु के निमित्त तथा उपादान कारण का बोध होता है वह उस वस्तु को संस्कृत करने में बहुत ही दक्ष माना जाता है। व्यक्ति के शोधन की प्रक्रिया है। संस्कार क्यों अपेक्षित है? शोधन की दृष्टि से उपनिषदों में आया है कि माता पिता के तेज से रजवीर से अस्मदादि के शरीरों की उत्पत्ति हुई है, तो माता पिता तो उनके पूर्वजों का भी रस रक्त जितने अंशों में दूषित रहा है उतने अंशों में हमारे जीवन में भी परंपरा प्राप्त दूषण का सन्निवेश है ही। मातृगत पितृगत दोष व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है, उसका शोधन जब तक ना हो तब तक परिष्कृत जीवन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संस्कार बहुत अपेक्षित है। आजकल देहात्मवाद के कारण देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को संस्कृत करने का मार्ग ही विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन संध्या के द्वारा, तर्पण के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा हमारे पूर्वज देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का शोधन करते थे। अश्वमेध याग में मुख्य घटक जो अश्व है, देवता के प्रति समर्पित होने योग्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो संस्कार युक्त ना हो। अश्व तो अपना संस्कार करने से रहा, अतः जो यजमान होता है वह अश्व का संस्कार करता है। और यहाँ तो विचित्र बात है, जो अश्वमेध याग में जन्मगत वर्णगत आश्रमगत प्रतिबंध से युक्त है, लेकिन उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह आरोप की विधा का वर्णन श्रुति ने अनुग्रह पूर्वक किया है। इस प्रसंग से एक बहुत उत्कृष्ट तथ्य ख्यापित होता है कि फल चौर्य नहीं है हमारे यहाँ। भले ही ब्राह्मण आदि क्षत्रिय से इतर वर्ण वाले अश्वमेध में अधिकृत ना हो, लेकिन उन्हें अगर फल चाहिए तो वह उपासना की विधा से अपने शरीर को ही अश्व मानकर अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त अपने शरीर को ही अश्व मानकर फिर शरीर के अमुक अंग में अमुक प्रत्यंग में
कहीं देवता का, कहीं लोक का, कहीं काल का आरोप करें। इस प्रकार जब अपना शरीर संस्कृत हो जाएगा, अपने शरीर को माने जीवित शरीर को, चेतना युक्त शरीर को, प्राणांतःकरण इंद्रिय से संवेद शरीर को हम अश्व मानेंगे, और अश्व का विनियोग माने शरीर का विनियोग देवता विशेष प्रजापति हिरण्यगर्भ के लिए करेंगे, तो हमारे जीवन में दिव्यता अश्वमेध की धारणा के फलस्वरूप अभिव्यक्त होगी। यहाँ पर अहंग्रह उपासना का वर्णन है। अहंग्रह उपासना का अर्थ है इस चेतना युक्त शरीर को हमने अश्व माना, और उसमें हिरण्यगर्भ जो कि देवता काल और लोकात्मक है, उसकी धारणा की अंग प्रत्यंग के क्रम से, जिसका अर्थ है कि हमने अपने जीवन को हिरण्यगर्भ भावापन्न बना दिया। हिरण्यगर्भ भावापन्न बना देने के कारण हमारा जीवन सुसंस्कृत हो गया, लेकिन इस विद्या का लाभ उठाते नहीं आजकल कुछ, बहुत विकट बात है। हम लोग सोचते हैं कि अभी भारत में क्षमता नहीं है कि हम जैसे व्यक्तियों से लाभ उठा सकें, यही एक विषम परिस्थिति होती है। जब देश में देश की प्रतिभा मेधा शक्ति से लाभ उठाने की क्षमता नहीं रह जाती, तो प्रतिभावान व्यक्ति, मेधावी व्यक्ति बहुत कष्ट पाते हैं। स्वार्थ न होने पर भी राष्ट्र की दिशाहीनता को लेकर उन्हें वेदना होती। तो हमने क्या कहा कि ब्रह्मा हम नहीं हैं, प्रजापति हम नहीं हैं, हिरण्यगर्भ हम नहीं हैं, लेकिन अपने जीवन को हिरण्यगर्भ की धारणा से हिरण्यगर्भात्मक बना सकते हैं। दार्शनिक धरातल पर स्वप्नावस्था में व्यष्टि दृष्टि से हम तेजस के रूप में प्रकट होते हैं, ख्यापित होते हैं। स्वप्न साक्षी तेजस होता है, उसी का समष्टि रूप हिरण्यगर्भ होता है। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने शरीर को ही अश्व बनाकर धारणा जगत में तत्त अंग और प्रत्यंग में काल लोक देव का आधान करते हैं, तो हमारा जीवन कौन सा जीवन? बाह्याभ्यंतर जीवन, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण और जीव कला से संपन्न जीवन हिरण्यगर्भ हो जाता है। हमारे जीवन में हिरण्यगर्भ कल्पता का उद्रेक हो जाता है, यह उपासना का प्रभाव है। अन्य में अन्य का आधान बुद्धिपूर्वक शास्त्रीय विधा से करें, इसी का नाम उपासना है। ओ बो नहीं, बो ओ नहीं, लेकिन ओ में बो का आधान करने पर ओ बो हो सकता है, बो में ओ का आधान करने पर बो ओ हो सकता है। कितनी ऊंची बात है, लेकिन इस ज्ञान से लाभ उठाने वाले व्यक्ति कहाँ हैं? एक व्यावहारिक बात है कि जो वैश्य होते हैं उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। खानदानी वैश्य, परंपरा के कुलीन वैश्य
उनकी मान्यता होती है कि पिता ने जो संपत्ति जोड़ी, जब तक हम अध्ययन नहीं कर चुके थे, विवाह नहीं कर चुके थे, तभी तक उनकी संपत्ति के उपभोक्ता होने का अधिकार था। अब हम अध्ययन करके विवाहित हो गए, अब पिता पितामह की परंपरा से प्राप्त संपत्ति के उपभोक्ता होना हमारे लिए कलंक है। वो तो एक धरोहर के रूप में पिता पितामह के द्वारा दी हुई संपत्ति है, अब हम अपने पौरुष से उसमें वृद्धि करें, उसका उपभोक्ता न बने, बहुत ऊंची बात है। एक छत्तीसगढ़ के वैश्य ने हमसे कहा था, वो कहाँ गया पता नहीं, हाँ बहुत ऊंची बात है। तो हमने भी शिक्षा ली, बनिया बुद्धि इसको कहते हैं। तो हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए कि गुरुदेव आदि ने, परम गुरु ने बहुत तपस्या करके, बहुत कष्ट सहकर जो ज्ञान विज्ञान अर्जित किया वो हमको दिया, तो परंपरा से उतनी पूंजी प्राप्त हुई ना। अब हम उसको भी न संभाल सके तो बहुत ग्लानि की बात है। तो हमारा काम क्या है, जितना उन्होंने दिया उसको संभालें, और जो वो नहीं दे पाए, ब्रह्म विद्या से तो उत्कृष्ट कुछ है ही नहीं, लेकिन अन्य विद्या की दृष्टि से जो वो नहीं दे पाए, उस विद्या को भी हम, कला को भी हम अर्जित करें, तब हुए ना शिष्य, नहीं तो गुरु का उपभोक्ता बन गए, पेंशन का उपभोक्ता, तो ठीक नहीं। तो आजकल मैं उसी दृष्टि से काम कर रहा हूँ। क्या हुआ बिच्छू? हाँ तो उस शो के कहीं आपको ऊपर न गिर पाए, हाँ खोल की हो रही है कुछ ना मालूम है। एक बाबा थे प्रवचन में, उनके पीछे बनिया बैठा था, तो उसको नींद लग गई। नींद में कपड़े की दुकान पर ग्राहक आए, तो कपड़ा फाड़ रहा था नींद में, उस फाड़ते फाड़ते उसका हाथ सामने वाले बाबा के वस्त्र पे चला गया, वो फाड़ दी तो बाबा ने कहा ये क्या तुमने किया, उसको हिला कर जगाया। उन्होंने कहा तुम्हारे तो कपड़े फड़े, हमारा तो सारा दुकान गोरख धंधे खत्म हो गया। इतना थोक व्यापारी आया था, कपड़ा फाड़ के बेच रहा था, तुमने मुझे जगा दिया। हमने क्या कहा, पूज्य गुरुदेव ने, अब उनके पास तो अनंत विद्या थी, तो श्री विद्या एक अद्भुत चीज उनके पास थी। दो दो ग्रंथ उन्होंने श्री विद्या पर लिखा लिखवाया, एक उस पूंजी को, तंत्र शास्त्र की पूंजी को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व हुआ या नहीं। फिर मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ लिखकर समाजवाद साम्राज्यवाद और रामराज्य, इन सब के स्वरूप को समझना, ख्यापित करना और रामराज्य का प्रचार प्रसार करना, रामायण मीमांसा जैसे ग्रंथ, फिर वेद यजुर्वेद पर भाष्य लिखा, वेदार्थ पारिजात, जो भी विपक्षी थे उन सब के मत की धीरजी उड़ा दी। इतना वो दे गए क्या, यज्ञ विद्या, वेद विद्या, तंत्र विद्या, ये सब। उसके बाद भारतीय कृष्ण जी महाभाग, जो इस मठ के 143वें शंकराचार्य थे, उन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। तो हमारा दायित्व है कि उस गणित को सुरक्षित रखें और गणित विज्ञान को और बढ़ावें। पूर्वाचार्य जी ने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया, इतने बहादुर महापुरुष। तो स्वस्थ क्रांति को भी उद्भाषित करते रहे, कितना दायित्व हो गया।
एक श्री भारती कृष्ण महाराज की परंपरा का निर्वाह करना, उसे और विकसित करना। एक पूर्वाचार्य जी ने जो आदर्श प्रस्थापित किया, एक पूज्य गुरुदेव ने, और जन्म की दृष्टि से देखें तो माता पिता की परंपरा में जो ज्ञान विज्ञान था वो, तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना दायित्व होता है ज्ञान विज्ञान के वर्धन का, कला और विद्या के वर्धन का, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आरोप है अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए ये नहीं, विवेक पूर्वक भेद को समझते हुए, अश्व प्रजापत के भेद को समझते हुए, शरीर और प्रजापत के भेद को समझते हुए, फिर एक में दूसरे का आरोप कर देना। आरोप भी अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। सज्जन को दुष्ट कह देना, सत्यवादी को मिथ्यावासी कह देना, ये गलत आरोप है ना, इससे तो अपना ही बंटाधार होगा। एक ब्रह्मचारी ने कहा, आपके समान को झूठ ही नहीं बोलता लोग, उसे नहीं मालूम कि मैंने किसी को कह दिया कि तुम विष लाए हो मुझे पिलाने के लिए, और ये भी सोचते हो कि तुम्हारे सामने मैं मर जाऊंगा तो तुम जेल में, कोई जेल में ना डाल दे, मैं वचन देता हूँ तुम चले जाओ मैं विष पीऊँगा, मैंने पिया, उससे मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोचा कि वचन की रक्षा के लिए जिन हाथों से विष पिया है वो व्यक्ति कह रहा है कि आपके समान कोई झूठ बोलने वाला नहीं, वो जीवित है ब्रह्मचारी। तो आरोप भी गलत नहीं होना चाहिए। सती साथ भी मैं समझ गए, किसी और मनचली औरत का आरोप कर दें तो वो आरोप क्या होगा, खतरनाक होगा, दाहक होगा। इसीलिए उत्कृष्ट का आरोप हो, हमारा आपका जो शरीर है देहेंद्री प्राण अंतःकरण संयुक्त जीवन है, उसमें प्रजापति भाव अश्व जो है अश्वमेध याग में प्रयुक्त और विनियुक्त होने योग्य, उसमें कहाँ अश्व कहाँ ब्रह्मा, लेकिन अश्व में ब्रह्मा का आरोप करने पर क्या होगा, उस अश्व के संस्कार से वो जो जीव तत्व अश्व में है उसका उत्कर्ष होगा, उसके लिए हम उपकारक हुए, और अपने लिए उपकारक ये हुए कि अपने जीवन में अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण से युक्त जीवन को मैं, हमने प्रजापति के आरोप से दिव्य बना लिया तो हमारा लाभ हो गया। अन्य में अन्य का आरोप, लेकिन आरोप उज्ज्वल होना चाहिए। भोग और मोक्ष में प्रयुक्त और विनियुक्त होना चाहिए, इसीलिए कहा कालाद दृष्टिर अश्वांगे सु किमिति क्षिप्यते अश्वांग दृष्टिरेवते सु किम न स्यात् इत्याशंक्या कर्मांगस्य इति। कर्मांग यहाँ पर प्रजापति नहीं है, वो तो अधिदेव है, कर्मांग यहाँ पर अश्व है, अतः अश्व को संस्कृत करने की विधा है कि अधिदैव का उसमें आरोप हो। अंगे स्वर्णंग मिति मतिक्षेपे हेत्वंतर माह, अभिचित्र बात है कि जो अंग नहीं है अनंग है उसका अंगों में आरोप, ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक हेतु तो बता दिया कि अश्व के संस्कार की भावना से, हेत्वंतर क्या बताया, प्रजापत्यत्वम चेति। भाष्य की पहली पंक्ति प्रजापत्यत्वम च प्रजापति दृष्टि अध्यारोपणात्, प्रजापति हिरण्यगर्भ का आरोप करेंगे अश्व में तब क्या होगा, अश्व में दिव्यता का आदान होगा प्रजापति भाव की संपन्नता होने से, कर्म हमारा बलवान होगा।
अगर अश्वमेध याग में अधिकृत व्यक्ति अश्वमेध कर रहा हो और प्रजापति का आरोप अश्व में न करे तो भी यज्ञ का फल मिलेगा, लेकिन सोने में सुगंध अधिक से अधिकम फलम की दृष्टि से अगर वो कर्मकांडी भी क्षत्रिय भी जो कि अश्वमेध में अधिकृत है, अश्व में प्रजापति भाव का आरोप किया शास्त्रानुसार, तो उसका कर्म बलवान होगा। लेकिन अश्वमेध में अनाधिकृत होकर ब्राह्मण हो, कोई बाबा हो, क्षत्रियतर हो, तो वो अश्व के स्थान पर, वहाँ तो दृष्ट अश्व में प्रजापति का आरोप है, तो यहाँ पर दृष्ट जो शरीर है, अपना जीवन है, इसी में प्रजापति का आरोप होगा। अहंग्रह बुद्धि से मैं प्रजापति हूँ, तो मेरा जो जीवन है, शरीर है, इसमें अमुक अंग प्रजापति के अमुक अंग के समान है। प्रजापति का वर्गीकरण कर लिया, प्रजापति तो एक है लेकिन तीन के संवेद स्वरूप के रूप में यहाँ प्रजापति को अंकित किया गया है। काल एक, देवता दो और लोक तीन। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार तो फल भी प्राप्त होता है, लेकिन लोक में ही फल का सन्निवेश कर देने पर प्रजापति का वर्गीकरण करेंगे तो प्रजापति क्या सिद्ध हो गए? काल, लोक, देव का समवेत स्वरूप। अब मांडूक्य उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। स्वप्नस्थानोंत प्रज्ञ सप्तांग एको रविंशत मुख प्रव्युक्त भुक् तेजसो द्वितीय पाद। मांडूक्य कार्य उपनिषद। स्वप्नस्थान तेजस की अभिव्यक्ति की अवस्था कौन है? स्वप्न। यहाँ स्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अब कैवल्योपनिषद पर विचार करें तो स्थान के लिए धाम और काल दो शब्दों का प्रयोग भी होता है। त्रिषु धामसु यद भोज्यम कैवल्योपनिषद, और सुषुप्ति काले सकले विलीने। स्वप्नस्थान स्वप्नावस्था में चिदात्म तत्व की तेजस के रूप में अर्थात व्यष्टि हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ स्थान देशवाचक अवस्थावाचक भी है और विवक्षावसात उसको कालवाचक भी मानते हैं, क्योंकि सुषुप्ति काले कैवल्योपनिषद में कहा गया। विवक्षावसात देश में अर्थात स्थान में और काल में विनियोग कर सकते हैं। स्वप्न स्थान का अर्थ है स्वप्न काल, स्वप्नावस्था, और स्वप्न रूप देश विशेष स्थान विशेष, यह इससे काल का भी ग्रहण हो जाता है। अंतःप्रज्ञ है, जागृत में हम लोग क्या होते हैं? बहिष्प्रज्ञ। स्वप्न में क्या होते हैं? अंतःप्रज्ञ। सुषुप्ति में घन प्रज्ञ या प्रज्ञान घन, अंतःप्रज्ञ कहा। उस समय हमारी प्रज्ञा अंतर्मुख होती है, या कहा सप्तांग एको नविंशत मुख, सात अंग में मूर्धा कौन है? वहाँ पर द्यूलोक, तो लोक का ग्रहण हो गया, तो लोक भी हो गया, काल भी हो गया। और एको नविंशत मुख जब कहेंगे 19 मुख
पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार या अध्यात्म है। अध्यात्म जो होता है अधिदैव से संलग्न होता है। इंद्रिय द्वार धरोखा नाना, जहाँ तह सुर बैठे कर थाना, यहाँ इसका अर्थ दो ढंग से होता है। एक तो इंद्रिय द्वार माने गोलक, इंद्रियों के अभिव्यक्ति का संस्थान इंद्रिय द्वार। इंद्रिय द्वार धरोखा नाना, जहाँ तह सुर बैठे कर थाना, थाना होता ना स्थान से थाना। यहाँ पर नैनत देवा आपनवन पूर्व वर्षत ईशावास्य उपनिषद। देवता का अर्थ क्या हो जाएगा रामचरितमानस किस पंक्ति में? इंद्रियों का नाम देवता। नैनत देवा आपनवन पूर्व वर्षत, इस ईशावास्य उपनिषद के अनुसार देवता के अर्थ में इंद्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे। इंद्रिय शब्द का प्रयोग देवता के लिए, जाता सुर बैठे कर थाना। दूसरा अर्थ होगा अतीन्द्रिय, जो इंद्रिय है इंद्रिय रूप द्वार में, अतीन्द्रिय इंद्रिय रूप द्वार में उसके प्रकाशक सूर्यादि अधिदैव सन्निहित हैं। तो अध्यात्म का ग्रहण किया गया 19 रूपों में, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। रावण के बाहर से कितने मुख थे? 10, और अंदर से 19। हमारे आपके भी अंदर से 19 मुख हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो एकोनविंशत मुख कहा गया, इससे अध्यात्म अधिदैव दोनों का ग्रहण कर लिया गया। प्रविव्यक्त भूख, स्वप्नावस्था में वासनात्मक विषय के हम भोक्ता होते हैं, स्थूल विषय के भोक्ता नहीं होते। स्वप्नावस्था में भूख लग जाए तो सचमुच का भोजन चाहिए या मनोमय भोजन चाहिए? सिद्धि आ गई या नहीं? यहाँ मनमोदक, मन के मोदक से भूख की निवृत्ति यहाँ भी नहीं होगी। स्वप्नावस्था में मन ही मोदक का रूप धारण कर लेता है, भूख की निवृत्ति हो जाती है। वहाँ पानी भी क्या है? मनोमय ही। तो स्वप्नावस्था में सिद्धि बढ़ जाती है, बाहरी अन्न जल की अपेक्षा नहीं, मनोमय अन्न जल से ही काम सध जाता है। प्रव्यक्त भूख, वासना की प्रगल्भता से भोग्य पदार्थों की अभिव्यक्ति और उनके सेवन से तृप्ति की निष्पत्ति, प्रवृत्त भूख। यहाँ भोग भी आ गया, उसी का नाम तेजस है, अर्थात व्यष्टि में हिरण्यगर्भ है। यहाँ चार चीज, काल, लोक, देवता और भोग। अब भोग जो है लोकात्मक ही होता है, इस दृष्टि से विचार करें तो भोग का लोक में अंतर्भाव कर देंगे तो हिरण्यगर्भ का स्वरूप क्या हो जाएगा? काल, लोक और देवमय। या देवमय, देवमय क्यों? हिरण्यगर्भ तो स्वयं देव हैं, वो परम देव हैं, इसलिए हाथी के पाँव में सबका पाँव। अन्य जो देवता है वो भी हिरण्यगर्भ के कायव्यूह रूप हैं। कायव्यूह माने प्रकाशव्यूह, कायव्यूह। योगी जो होते हैं संकल्प से अपने आप को विविध रूपों में व्यक्त कर देते हैं। तो अन्य देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी के कायव्यूह रूप हैं। इन सब दृष्टियों से प्रजापति का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे पतिरेक आगे आया। एक था पति, प्रजा का पति, प्रजापति। श्रुति के आधार पर ब्रह्मा जी का नाम प्रजापति है, हिरण्यगर्भ है। तो वो जो ब्रह्मा जी प्रजापति हैं,
सर्वलोकात्मक, सर्वदेवात्मक और सर्वकरुणात्मक। सर्वलोकात्मक सर्वदेवात्मक हो गए, काल को ले लें तो कालात्मा भी है। फल का अंतर्भाव लोक में ही कर दिया, तो ब्रह्मा जी को समझने के लिए लोक, काल और क्या देव, तीनों का संवेद स्वरूप ब्रह्मा हो गया। क्या कह रहे, सर्व कालात्मक। करण क्या है? कर्म के ओ संपादित करता है कर्ता, जो टूल माध्यम का उपयोग करता है उसका नाम है करण। कार्य की निष्पत्ति में हेतुभूत जो सामग्री वो करण है, और जो काल होगा वो क्या होगा? तो काल करण की अपेक्षा उच्च पदार्थ है काल। अब स्वप्न काल होगा तो स्वप्न के करण भी तदनुकूल हो जाएंगे। कल बताया था, कलयति प्रकाशयति, काल माने कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, अधिदैव से भी ऊंचा है काल, अधिदैव से भी ऊंचा हुआ काल। हिरण्यगर्भ जीव विशेष, उनसे अवर कौन हुआ? काल। उनसे अवर कौन हुआ? अधिदैव। उनसे अवर कौन हुआ? लोक। यह हुआ लोक। यह अध्यात्म जो 19 हैं, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्ट, इनका ग्रहण करने पर इनके अनुग्राहक अधिदैव का भी ग्रहण हो जाता। और दूसरी बात है कि इनका नाम भी अधिदैव है, देवता है। नैन देवा अपनवन पूर्ववर्षत, जो द्योतनशील हो, प्रकाशक हो। विषय का प्रकाशन करण के द्वारा होता है या नहीं? रूप का प्रकाशन नेत्रेंद्रिय के द्वारा होगा, प्रकाशकत्वात देवत्व आ गया या नहीं? नेत्रेंद्रिय भी देवता है और नेत्रेंद्रिय का अनुग्राहक सूर्य भी देवता है, दोनों देवता हो। करण माने अध्यात्म, उसके अनुग्राहक देव, दोनों का नाम देव हो गया। ये खोल कर इसलिए बताते कि एकदम बाल का बाल, खाल का खाल, ऊपर हैं पंच प्राण के अनुग्राहक देवता। देवताओं का हमने एक सूची बनाई थी, बहुत बढ़िया, देवताओं का, और यहाँ तक कि सप्त धातु में किस धातु के कौन देवता है, इसका बृहद ज्ञान कराने वाला एक ही ग्रंथ है, सूत संहिता। सूत संहिता स्कंद पुराण का अंश माना जाता है, लेकिन पृथक से प्रकाशित है। विद्यारण स्वामी जी का उस पर भाष्य है। सद्योजात आदि जो है पंचदेव, तो अपने ग्रंथों में त्रिपाद विभूतिमान त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद आदि में, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद आदि में, सुबालोपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, पैंगलोपनिषद, इनका अध्ययन करने पर ये पांच प्राणों के भी पांच एक एक देवता हो जाते हैं। और जो शिव है ना, शिव जी के पांच रूप हैं, कौन कौन? तत्पुरुष, घोर, सद्योजात, ये सब शिव जी के पांच, पंच ब्रह्मोपनिषद में शिव जी के पांच, अघोर, तत्पुरुष, सद्योजात, ये सब शिव जी के पांच भेद हैं, वही प्राणों के देव हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि आध्यात्मिक पवन का नाम प्राण है, तो वायुदेव उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वही पांच प्राणों के देव हो जाते हैं। ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय के साथ, एक एक ज्ञानेंद्रिय के साथ प्राणों के 10 प्रभेद का योग है,
नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय और प्राण अपान व्यान उदान समान, ये उपनिषद की प्रक्रिया है। त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद सुवालोपनिषद पढ़िए, उसमें क्या दिया गया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय, कितने हो गए, दस। पांच ज्ञानेन्द्रिय के साथ नाग कूर्म त्रिकल देवदत्त धनंजय, ये पांच उपप्राण आ जाते हैं एक विधा से। और पांच ज्ञान कर्मेंद्रिय के साथ प्राण अपान व्यान उदान समान आ जाते हैं। तो पांच कर्मेंद्रियों के जो देवता हैं वो पांच प्राणों के भी देवता हो गए। पांच ज्ञानेन्द्रियों के जो देवता हैं वे पांच की प्राणों के भी देवता हो गए। इस प्रकार से कर्मेंद्रिय के देवता, ज्ञानेन्द्रिय के देवता, प्राण के देवता सिद्ध हो जाते हैं। और अंतःकरण पंचक के साथ प्राण को जोड़ देते हैं। अंतःकरण पंचक मन बुद्धि चित्त अहंकार और स्वयं अंतःकरण ज्ञातृत्व, तो अंतःकरण पंचक के जो देवता हैं वो पांच प्राण के देवता हो जाते हैं। पांच प्राण को बीच में रखा है, कर्मेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय के देवता भी पांच प्राण के देवता, पांच ज्ञानेन्द्रिय के देवता पांच प्राणों के देवता, मन के देवता, बुद्धि के देवता, चित्त के देवता, अहंकार के देवता, अंतःकरण के देवता भी प्राणों के देवता। इस प्रकार कर्मेंद्रिय के देवता प्राण के देवता, ज्ञानेन्द्रिय के देवता प्राण के देवता, मन के देवता कौन है, चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के वासुदेव, अहंकार के रुद्र और अंतःकरण के विष्णु अंतर्यामी, उसी का नाम चित्त वासुदेव तो हो ही गया, अंतःकरण के सर अंतर्यामी देवता होते हैं। इस प्रकार से प्राणों पांचों प्राणों के देवता का भी उल्लेख। अरे हाँ, हर अक्षर के अधिदेव होते हैं और अंक हर अंक के भी अधिदेव होते हैं। बिना देवता के कुछ होते ही नहीं, हर अंक के देवता होते हैं। और अंक होते हैं मौलिक दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इकाई स्थानापन, एक से पहले शून्य, तो कितने हो गए, शून्य से लेकर नौ तक दस अंक हो गए। इन्हीं के तालमेल से पूरा गणित चलता है। दस में सबसे पहले शून्य का दर्शन होता है, लेकिन दहाई अंक है ना, संख्या कौन, दस, तो दहाई सैकड़ा ये सब जो चलता है इसमें मौलिक अंक का सन्निवेश होता है। अगर शून्य कोई मौलिक अंक ना हो तो हठात दस में कैसे आ गया। एक मौलिक अंक है, शून्य को मौलिक अंक नहीं मानेंगे तो दहाई अंक की, दहाई संख्या की सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार मौलिक अंक शून्य से लेकर नौ तक, दस से उन्नीस लिखिए, ऊपर से नीचे इकाई स्थानापन अंक को पढ़ते जाइए, बीस से उनतीस, तीस से उनतालीस, चालीस से उनचास, पचास से उनसठ, ऐसे ही नब्बे से निन्यानवे तक क्या क्रम होगा, शून्य एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इस प्रकार से दस हो गए, तो यहाँ पर भी दस जो देवता हैं, दिक के देवता भी दस होते हैं ना, वो अंकों के देवता हो जाते हैं। ऐसे अंगे स्वनंगमतिक्षेपे हेत्वंतर्मा, अब बहुत विचित्र बात है, आक्षेप भी कैसा होता है, आक्षेप माने आरोप, दोष का आरोप, गुण का आरोप, आरोपित तो आक्षेप। अंग तो सिर इत्यादि अंग हैं, काल आदि तो अंग नहीं है, अनंग है वो, अंग में अनंग का आरोप
प्राजापत्य भाव की सिद्धि के लिए ऐसा अश्वस्य सेत्स्यतीति शेष। इस प्रकार अश्व के अंग प्रत्यंग में लोक देवता काल में किसी एक का आरोप होता है। तत्र हेतु प्रजापति थी, इसमें हेतु क्या है? प्रजापतित्व करणम पशु है, पशु जो सामने है उसके प्रजापतित्वकरण माने धारणा के द्वारा उसको प्रजापति का रूप दे दिया। उधर यहाँ शरीर का प्रजापतित्वकरण हो गया, वहाँ अश्व का प्रजापतित्वकरण हुआ। यहाँ शरीर को अश्व मान लिया, फिर शरीर का प्रजापतित्वकरण हुआ। क्या काम क्रोध लोभ आदि जो होते हैं, वो किस किस करण में बैठते हैं? एता सर्वम मन एव काली का बृहद को पसंद, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। और क्या लिखा है? प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। कामक क्रोधादि करण निष्ठ है ना, करण निष्ठ होते कामक क्रोधादि। सुषुप्ति में काम होता है क्रोध, भूख मूल बात वही है। सुषुप्ति में भूख लगती है, प्यास, यह करण सो जाते हैं, चेतो मुख होता है। सूक्ष्म चेतना ही वहाँ मुख है, करण है और कुछ नहीं। अविद्या साधिष्ठान साभास अविद्या वृत्ति सुषुप्ति में करण है। सारा अहंकार, अहंकार सो गया, हम सो गया, बस दुनिया प्रपंच शांत। अहंकार जग गया, अब जो ना हो जाए वही काम। एक बच्चा सोया हो, माता पिता किसी को बड़ा उपद्रवी है, ये बच्चा सोया हो कहते हैं बड़ा उपद्रवी है, भूतपूर्व गति से भविष्य गति से जगते देखना उधम मचाएगा। और आतंकवादी सोया हो तो महा आतंकवादी है, इस समय कहाँ आतंकवादी, पहले रहा है, अब जगने के बाद फिर हो जाएगा। आतंकवाद कहाँ चला गया? अहम शांत हो गया तो आतंकवाद भी खत्म, हलचल उपद्रव सब खत्म, बच्चे की चंचलता चू चैन सब खत्म। अहम पर्यंत है सब कुछ, अहम सो गया बस, जीव की दुनिया खो गई। हाँ, प्राप्त होता है अश्वभावापत्ति, अश्वस्य मन अश्व की प्राजापत्य भावापत्ति। तत्र हेतु प्रजापति थी, ननु कालादि दृष्टियो अश्वावयवेषु आरोप्यन्ते न तस्य प्रजापतित्वं क्रियते तत्राह। अब पूर्व पक्ष फिर प्रस्थापित किया, काल लोक और देवता की जो दृष्टि है वो तो अश्व के अंग में आरोपित करते हैं ना, आरोप्यन्ते, ये आरोपित होते हैं, आरोपित किए जाते हैं। लेकिन जिनका आरोप किया जाता है उसमें एक एक को लीजिए, क्या काल प्रजापति है, क्या लोक प्रजापति हैं, या लोक प्रजापति है, क्या देव प्रजापति है, या देव प्रजापति हैं। तो कहा गया कि तीनों को मिला दो तो प्रजापति हैं या नहीं। मांडूक उपनिषद का उदाहरण देके हमने स्वप्न स्थान है, अंत प्रज्ञ है, सप्तांग है, एकोन विंशत मुख है, प्रव्यक्त भुक् तेजसो द्वितीय पाद है, इसमें दिखाया कि लोक देव भोग, लोक देव भोग काल, इनका संवेद स्वरूप ही हिरण्यगर्भ। उसमें भोग का अंतर्भाव लोक में कर देंगे तो तीन ही रह जाएंगे,
ऐसा। तो कालेति काल लोक देवतात्वाध्यारोपणम च प्रजापतित्वकरणम पशोः। इसका मतलब तीन का नाम लेने पर भी एक की ही सिद्धि होती है। काल लोक और देव तीनों का संवेद स्वरूप ही तो प्रजापति है ना। सीधे प्रजापति कहते हैं तब तो एक ही की सिद्धि होती। अंग तो बहुत से हैं, कहीं काल का आरोप, कहीं लोक का आरोप, कहीं देव का आरोप। अब बिना आरोप का कौन सा रह गया? वाक उसमें आया है। अश्व जो बोलता है, या हम आप जो अश्व बन जाएंगे धारणा के द्वारा, पहले शरीर में अश्व का आरोप, फिर अश्वभूत शरीर में प्रजापति का आरोप, दो आरोप करना पड़ेगा या नहीं? वहाँ जो अश्वमेध के लिए अश्व है उसमें तो हम केवल प्रजापति का आरोप करेंगे। काल को लेकर, देवता को लेकर, लोक को लेकर, लेकिन इस शरीर में दो आरोप करना होगा। एक आरोप हमारा शरीर क्या है? अश्व है। फिर यह जो अश्वभूत शरीर है वो प्रजापति है। दो दो आरोप होगा। आरोप से भी फल मिलता है। लोग बड़े जो दर्शन आदि नहीं जानते हैं ना, अमुक को करोड़पति जाने से तुम थोड़े करोड़पति हो जाओगे भाई। ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन हो ही क्यों नहीं जाएंगे? क्या अमुक को करोड़पति जाना, हमारे पास दो रुपये नहीं हैं तो हम करोड़पति हो गए क्या? उपासना में वो क्षमता के हो जाएंगे। बिना धंधा किए उपासना से ये हो जाएंगे। ऋषि लोग इसलिए गरीब थोड़े होते थे, तपस्या की दृष्टि से गरीबी मोल लेते थे। क्या तपस्या की दृष्टि से गरीबी मोल लेते थे या गरीब होते थे? उनके पास तो विद्या थी कि एक कंगाल को करोड़पति बना सकते थे बिना दंड फंद व्यापार में बेईमानी किए या व्यापार किए, उपासना के बल। बहुत बढ़िया आया ना। अब आजकल के व्यक्ति कैसे समझेंगे? अगस्त जी ने कहा, भागवत अभी जो अध्याय चल रहा है, शाम को प्रवचन होता है, जिसका मन अपने वश में है। शंकराचार्य ने क्या कहा? जितम जगत के न मनो ही है न, जिसका मन अपने वश में है उसको लोक और लोकपाल आकर के बलि भेंट प्रदान करते हैं। अब सामान्य व्यक्ति मन की एकाग्रता से निर्धनता मिटेगी, समझ सकता है क्या? वो कहेंगे मन एकाग्र करते रहो, भूखे रहो, अरे हाथ पांव चलाओ, कुछ काम धंधा करो या समाधि लगाए हो, मन एकाग्र कर रहे। ऐसे क्या विद्यालय में पढ़ने जाओगे या नहीं? मन एकाग्र कर रहे तो वहाँ तो सामान्य रीति से पहले घाटा ही घाटा है। लेकिन अब अगस्त को अंगिरा ऋषि ने क्या कहा? जिसका मन एकाग्र है, मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, लोक और लोक माने छोटे छोटे राजा और लोकपाल भी, दिक्पाल भी उसको आकर के भेंट देते हैं, अर्थात झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, वह उससे छोटे हो जाते। अब ये जो ऋषियों का वचन है अंगिरा जी का, इसको असामान्य व्यक्ति कैसे समझेगा? ये जो है ना ओम जी का गांव, ये खंडहर महाविद्यालय था संस्कृत। अब स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ, हम सोचने लग गए इतने व्यक्ति लेकर हम कहाँ जाएं, हमारे नखरे बड़े विचित्र हैं, हमको कौन निभाएगा? स्वामी जी तो ब्राह्मण थे, संत थे, हमको निभा दिया, हमको तो कोई निभा नहीं सकता ना। क्या ऐसा नहीं कि हम उपद्रवी हैं, लेकिन अब शेर तो बैठेगा तो शेर ही है, मारने दौड़े या न दौड़े, हम मारने भी नहीं दौड़ते। हमको निभाना मान, हम सिद्धांत के इतने पक्के हैं, ढूलते नहीं, हलते लुलते नहीं,
वो नहीं देखते कि शरीर बचेगा या नहीं, कल रोटी मिलेगी या नहीं, वो सब कुछ नहीं। तो वो दिखाने ले गया विद्यालय ओम जी के भाई। तो जो देने वाले थे उन्होंने कहा कि इतना विशाल भवन आपको दे दिया जाए तो चलाएंगे कैसे। हमने कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति हमारे हृदय में है तो संपत्ति आ जाएगी। उन्होंने कहा बाबू कहें इनको मत देना। अब बताओ धन का सुमति का कोई संबंध है? आपके पास कितने सेठ साहूकार हैं? हमने कहा बिल्कुल सेठ साहूकार नहीं, रात में रोटी कहाँ मिलेगी ये भी नहीं पता है, बाबा है। हमने सेठ साहूकारों के लिए बाबा बनना नहीं सीखा। कहा भावुक है, अरे वहाँ रुपया की जरूरत है। ये कहते हैं जहाँ सुमति है संपत्ति नाना, अब वो बात बैठेगी क्या? इनके पास सुमति है तो सब संपत्ति है, कोई मान लेगा क्या? इसीलिए ऋषियों की वाणी अटपटी लगती है लेकिन बिल्कुल सत्य होती है। यही कहा। कालादि दृष्टयो अश्वावयवेशु आरोप्यन्ते न तस्य प्रजापतित्वं क्रियते तत्राह कालेति। कहा नहीं नहीं, आखिर प्रजापति तो काल लोक और देवता के संभेद स्वरूप हैं, अतः अश्व के अंग प्रत्यंग में काल लोक देवता की दृष्टि प्रकारांतर से प्रजापति की ही दृष्टि है। कालाध्यात्म को ही प्रजापति ही, क्योंकि प्रजापति लोक काल और देवस्वरूप ही हैं। तथा अच्छा, बहुत अच्छा, भगवान शंकराचार्य के भाव को खोल रहे। देखिए भाष्य की अंतिम पंक्ति पृष्ठ 21, विष्णुत्वाधिकरणमिव प्रतिमादौ। भगवान शिव के अवतार थे न कौन? शंकराचार्य। नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि नहीं लिखा कहीं, शालग्राम में शिव बुद्धि, प्रतिमा में विष्णु बुद्धि, प्रतिमा में शिव बुद्धि नहीं लिखा। इसीलिए अब शंकराचार्य से जो चिढ़ते हैं उनकी बुद्धि की बलिहारी है। कुछ गुरुदेव ने हमसे कहा, सुनो वैष्णवों, वैष्णव पुराण है कौन? श्रीमद् भागवत। उसके अंतिम अध्याय में भागवत की महिमा बताई गई। पुराणों में यह श्रीमद् भागवत कैसा है, किस स्तर का है? तो वैष्णवानाम यथा शंभुः, वैष्णवों में जैसे शिव और धामों में जैसे काशी। तो कहा कि देखो इसको अर्थ समझना, धामों में लिखा काशी, वृंदावन नहीं लिखा, मथुरा नहीं लिखा। वैष्णवानाम यथा शंभु हो, जय विजय नहीं लिखा, शिव जी को लिखा। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंभु है, धामों में सर्वश्रेष्ठ काशी है, ऐसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन दोनों वो कहेंगे शैववादी, व्यास जी से लड़ो, काशी लिखा वहाँ पर और शिव जी को लिखा वैष्णवों में यथाशम। तो भगवान शंकराचार्य हमेशा विष्णु जी का नाम लेते, शालग्राम में विष्णु बुद्धि, प्रतिमा आदि में विष्णु बुद्धि। कितने शिव जी के, कितने विष्णु जी के भक्त, शिव तो हैं ही। यही क्यों नहीं, भगवान शिव जब तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं काशी में, उस समय जो पंच देवों में जिस देव का भक्त होता है उस देव को प्राप्त हो जाता है केवल राम नाम के बल पर। और अगर उसको कैवल्य मोक्ष चाहिए तो कैवल्य की भी प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ चाहिए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। तथा च यथा प्रतिमायां विष्णुत्व करणम तदृष्टि ही तथा कालादि दृष्टि ही। बहुत बढ़िया है। प्रतिमा में विष्णुत्व करण, विष्णु का आरोप,
जिसमें प्रतिमा में अर्चा विग्रह भगवान का, उसमें क्या करते हैं, विष्णु का आरोप करते हैं। प्रतिकृति अनुकृति है ना, वो भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं, तो यहाँ भी ये सब, लेकिन उसमें फिर भगवान विष्णु का आरोप करते हैं। हाँ, क्या करना, विष्णु तो करण, तो ये आरोप ही हुआ ना, आरोप से करण बन जाता है, जिसका आरोप करेंगे, जिसमें आरोप करेंगे वो उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, आरोप करण, विष्णुत्व करण लिखा है। विष्णुत्व करण कैसे होगा, विष्णु के आरोप से ही तो होगा ना, विष्णु भावापत्ति कैसे हो जाएगी, विष्णु के आरोप से। सो ही जाओ, इतना झंझट को मालते बैठे हो, एकदम चढ़ी रहे रहे दिन रहे नहीं, इनको माइक दे दिया जाए तो अभी बोलना शुरू कर देंगे बढ़िया, कल ही नहीं मिला माइक बस। तथा च यथा प्रतिमायाम विष्णु तो कर्णम तदृष्टि ही, मतलब ये अपने यहाँ बहुत बढ़िया है, मातृदेवो भव, देव का नाम क्या है, यहाँ पर सब में देव शब्द अनुगत है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, कहा ना, माता तो देवता नहीं है, पिता तो देवता नहीं है, आचार्य तो देवता नहीं, अतिथि तो देवता नहीं, ये चार अलग अलग हैं, देव सब में अनुगत है या नहीं, तैतृय पुरुषा, तो देव का अर्थ यहाँ पर है आत्मा परमात्मा। तो माता की देव बुद्धि से उपासना करो, माने देवता का, देव का आरोप कर दो परमात्मा का आरोप माँ में, तो माँ परमात्मा बन गई या नहीं। पिता में भेद तो है, पिता अलग परमात्मा अलग, परमात्मा का आरोप कर लेंगे पिता में, तो पिता, पिता अपने में परमात्मा का आरोप करें या न करें, आप करेंगे हम करेंगे तो हमको फल मिल जाएगा। कुछ गुरुदेव ने लिखा, अश्वत्थ पीपल जीव विशेष है क्या, लेकिन हम शास्त्र के अनुसार उसमें विष्णु बुद्धि करेंगे तो हम तो तर जाएंगे, पीपल का जब उद्धार होगा, उद्धार होगा हमको, हमारा उद्धार तो कर ही देगा वो, दूर्वा में क्या, ऐसे ही तुलसी में, तुलसी महारानी नमो नमः कहते क्या, आरोप से ही लाभ होता है, जिसमें हम आरोप करते हैं उसका जो होना होगा अपने कर उपासना से होगा, हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन यज्ञ में पशु में प्रजापति का आरोप करते हैं तो दोनों को लाभ होता है, उस अश्व को लाभ होता है, आरोप करने वाले यजमान को लाभ होता है। अब यहाँ हम अपने शरीर में अश्व का आरोप करेंगे, फिर उस अश्व में फिर प्रजापति का आरोप करेंगे, उससे शरीर में दिव्यता आएगी या नहीं, ऐसा प्रतिमा में विष्णुत्वकरण होता है आरोप के द्वारा, तद दृष्टि ही विष्णु दृष्टि से निहारेंगे प्रतिमा को, तब कालादि दृष्टि ही अश्वावयवेशु तस्य प्रजापतित्व करणम, अश्व के अवयवों में प्रजापति की दृष्टि करेंगे तो प्रजापतित्व भाव की प्राप्ति होगी, अश्व को प्रजापति का रूप दे देंगे आरोप के द्वारा। अब दोनों बात हो गई, अश्व अपने में प्रजापति का आरोप नहीं कर सकता, लेकिन हम तो कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पहले अश्व का आरोप करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रजापति का आरोप कर लेंगे, प्रजापति भावापन्नता आया है छांदोग्य उपनिषद में, शौनक जी थे एक राजा भी थे, भोजन परोसने जा की तैयारी हो रही थी, एक ब्रह्मचारी भूखा प्यासा अनुमान से लगा कि अन्न चाहता है, जल चाहता है, आ रहा था, रसोइये को बुला के शौनक जी ने कहा
ऊपर से मना कर देना ही अन्न मांगेगा, जब अन्न मांगेगा अन्न नहीं देना, डांटना फटकारना नहीं, मना कर देना। ऐसे मना करने पर वो जो बोलेगा तो मैं आकलन कर लूँगा कि ये किसका उपासक है, बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी आ रहा है, उसने आके अन्न मांगा, रसोइये ने मना कर दिया, परोसने वाले ने मना कर दिया, तब उसके मुँह से क्या निकला, तेरे दरबार से मैं वैश्वानर भूखा जा रहा हूँ। आइए आइए ब्रह्मचारी जी, आप सोचा सापे न दे दे, आइए आइए ब्रह्मचारी जी आइए, हमारा भाव यही था, हमी ने सिखाया था कि आपको अन्न देने से मना कर दे, आप इतने तेजस्वी हैं तो किसकी उपासना के बल। उन्होंने कहा इस वैश्वानर को तुम खाली लौटा रहे हो, उसने वैश्वानर भाव की हंगरा उपासना के द्वारा अपने जीवन में इतनी प्रतिष्ठा कर दी थी, रामतीर्थ जब चलते थे है बादलो बनो, गर्मी लग रही है बादशाह राम को, बरस जाओ, राम बादशाह को गर्मी लग रही है बादलो बरसो, बादल बन जाओ बरसो, बादल बन जाता था बरसने लगता था, तो वो अपने को राम बादशाह जा रहा है। अहंग्रह उपासना स्वामी रामचंद्र जी की बहुत सदी हुई थी, एक निश्चित स्तर की अहंग्रह उपासना बहुत सदी हुई थी, ऐसा हुआ। उसने कहा वैश्वानर का अपमान है, यह वैश्वानर तुम्हारे दरवाजे से क्या जा रहा खाली, तो इसका अर्थ हुआ अहंग्रह उपासना। अब ये माता, महाभारत के अनुसार गुरु के कितने भेद हैं, माता एक, प्रथम गुरु माता, पिता दो, आचार्य तीन, अग्निहोत्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे तो आग, अग्निहोत्र की आग चार, और अंतिम अंतिम गुरु कौन है, आत्मा देव। तो यहाँ पर अग्नि के स्थान पर अतिथि, अतिथि अभ्यागत अगर अन्न जल प्राप्त किए बिना निराश होकर लौटते हैं तो आग बन करके जिसके यहाँ से निराश होकर लौटते हैं उसके पुण्य को खा जाते हैं। तो यहाँ सीधे अग्निहोत्र की आग का वर्णन नहीं है, अतिथि आग ही होते हैं, अतिथि अभ्यागत आग होते हैं, आग अगर किसी के यहाँ से निराश होकर लौट जाए तो समर्थ भी है लेकिन न वाणी से स्वागत कर सकता है न कुछ, तो फिर वो निराश होकर लौटते हैं तो क्या होता है, उसके पुण्य को जला जाते हैं। गुरुदेव के साथ भक्ति और उपासना करेंगे तो उनको शास्त्र के सिद्धांत क्या आता है, क्या कह रहे जैसे हम भगवान को उपासना करते हैं गुरु जी का उपासना क्यों कर रहे हैं। उपासना तो आचार्य देवो भक्त लिखा है ना, मैंने पहले कह आचार्य माने गुरु, आचार्य देवो भक्त लिखा ही है ना, माता की उपासना पिता की, मातृभक्त पितृभक्त, मातृ की भगवत बुद्धि से माता की उपासना होगी तो मातृभक्त, आचार्य देवो भक्त उसका अर्थ है ना गुरु की, आचार्यम मम विजानीयात श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध, और सर्वदेव मय गुरु होते हैं, गुरु में सब देवता का, भागवत में एक एक कामना की सिद्धि के लिए एक एक देवता, विद्या की कामना हो तो शिव की आराधना करो, स्वास्थ्य की काम लक्ष्मी की कामना हो तो सूर्य की उपासना करो, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, गुरु की उपासना से सब मिल जाए, देवियों को पति की उपासना से सबकी प्राप्ति, धर्म 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 अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति। अश्वमेधाधिकारी ही सत्यत्वे कर्मणो वीर्यवत्तरत्वार्थम कालादि दृष्टि अश्वावयवेशु कुर्यात्। अब आनंद गिरी जी कहते हैं यहाँ तो अश्वमेध याग में जो अधिकृत है, अश्वमेध के लिए तत्पर हैं, वे
अश्वमेध याग में प्रयुक्त विनियुक्त होने योग्य अश्व में प्रजापति की धारणा करते हैं। धारणा आरोप दृष्टि एक ही बात है। धारणा करते हैं, आरोप करते हैं, निक्षेप करते हैं, दृष्टि करते हैं, कोई भी शब्द बोल दो। लेकिन जो अधिकारी नहीं है अश्वमेध में, वर्णगत प्रतिबंध, आश्रमगत प्रतिबंध, आजकल धनगत प्रतिबंध, देश काल परिस्थितिग्रस्त प्रतिबंध क्षत्रियों के लिए, आजकल तो श्री राम शर्मा जी के यहाँ का अश्वमेध तो वो नकली है, शास्त्र से लेना देना नहीं, लेकिन सचमुच का अश्वमेध तो आजकल न देश वैसा, न काल, न परिस्थिति वैसी। अधिकारी भी अनधिकारी बना दिए जाएं, यही तो स्वतंत्र भारत की महिमा है। क्या अधिकारी भी अनधिकारी बना दिए जाए और अनधिकारी भी अधिकारी बना दिए जाए, इस उलट फेर की कहानी का नाम ही तो स्वतंत्रता है ना भारत। आज सन्मार्ग में संपादक महोदय ने लिखा दलाई लामा धर्मगुरु, उनको राजनीति पर बोलना ही नहीं चाहिए था, गांधी जी जिन्ना पर, नेहरू पर, कदाचित बोले तो सही जानकारी रखनी चाहिए थी। मतलब कैसी विचित्र शिक्षा है, हमको तो कष्ट हुआ। यह अखबार हमारे पूज गुरुदेव का है, काशी एक, कलकत्ता दो, दिल्ली तीन, तीनों जगह से दैनिक समाचार पत्र निकलता था सन्मार्ग। अब एक सेठ जी का हो गया, जो कार्यकर्ता थे उन्हीं का हो गया कलकत्ता का, वो पटना से भी निकाल रहे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से भी कुछ गुरुदेव पर किसी ने लेख भी लिखा है, मेरे पास तो समय नहीं, लेकिन सन्मार्ग के संपादक लिखते हैं धर्म गुरु को राजनीति से क्या लेना देना। अब उनको यानी विवेक है, अरे राज धर्म का नाम ही राजनीति है, छात्र धर्म का नाम ही राजनीति है, धर्म की सीमा के बाहर तो राजनीति है ही नहीं, तो उन्माद है। आगे वो फरमाते हैं, उर्दू में बोले तो लिखते हैं कि भारत के विभाजन में एक हेतु यह भी था कि हिंदू मुसलमान ये सब धर्म के अधीन अर्थ को मानते थे, माने उनके दृष्टि में राजनीति की धारा अलग है और धर्म की धारा अलग, अर्थ की धारा बिल्कुल अलग है और धर्म की धारा अलग, धर्म और अर्थ में, धर्म और राजनीति में कोई संबंध ही नहीं है, सब स्वतंत्र हैं ये अलग अलग। फिर तीसरा कारण लिखते हैं सांप्रदायिकता, राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के चपेट में आकर भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ। साम्राज्यवाद के अर्थ इंग्लैंड की ओर संकेत किया, अमेरिका की ओर संकेत किया, सांप्रदायिकता, फिर राष्ट्रीयता, संप्रदाय हम छोड़ दें और राष्ट्र भी छोड़ दें, तो उनकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन मुझे कष्ट हुआ कि देखो कुछ गुरुदेव होते और संपादकीय पढ़ते तो कहते कि इसीलिए हमने यह सन्मार्ग चलाया था क्या, धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, धर्मा विरुद्ध भूतेशु कामोस में भरतर सभा, धर्म के अविरुद्ध अर्थ काम होना चाहिए, धर्म का और अर्थ का कोई संबंध नहीं, धर्म के साथ अर्थ को बांधोगे तो कंगाल हो जाओगे और धर्म के साथ राजनीति चलाओगे तो बेहाल हो जाओगे, ये हमारी दृष्टि ही नहीं है। ये इसी हमको मिलते वो संपादक महोदय तो हम कहते हैं जनाबे आली आपकी इसी दृष्टि के कारण भारत का विभाजन हुआ, आप जैसे व्यक्तियों की इसी दृष्टि के कारण भारत का विभाजन हुआ।
धर्म और राजनीति में कोई तालमेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पृथक पृथक धर्म और अर्थ में। बड़ी विचित्र बात, धर्मात अर्थो भी जायते, धर्म से ही अर्थ भी मिलता है, धर्म से ही काम मिलता है, धर्म से मोक्ष भी मिलता है। यह हुआ तो अब बहुत विकट बात है कि पूरे देश को समाचार पत्र आदि के माध्यम से जो संदेश देते हैं उनका अध्ययन ही उस ढंग से है जो अंग्रेजों ने मस्तिष्क बना दिया उस ढंग से। बड़ी विकट बात। फिर तो हमारा प्रवचन सुन करके लिहाज ही किया कि हमारा नाम उसमें नहीं घसीटा, कि शंकराचार्य को नहीं बोलना चाहिए था। अब उनको पता नहीं कि शासकों पर शासन करना तो हमारा प्रथम दायित्व है। शंकराचार्य का अर्थ ही होता है शासकों पर शासन करना। दलाई लामा जी के लिए कहा, परंतु यह जो वाक्य है कि धार्मिक व्यक्ति को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और राजनीतिक व्यक्ति हमारे धर्म को खाए जा रहे हैं, उनको तो अधिकार है कि धर्म में हस्तक्षेप कर ले, धार्मिक व्यक्ति राजनीति में हस्तक्षेप न करे। अरे वो धर्म की सीमा के बाहर राजनीति है तब तो भूत प्रेत है। अरे नहीं मानेंगे तो जो फल मिलना चाहिए उसको भोगेंगे और संसार को भोगाएंगे। मानने की लाचारी है, मानने की लाचारी। आखिर संविधान में जो मानवोचित शील की रक्षा की विधा है वो धर्म का अंश है या नहीं? क्या एक देश की सीमा का दूसरे देश अतिक्रमण न करे धर्म का अंश है या नहीं? संविधान में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भी जितना अंश धर्म का है वही तो जान है। क्या संविधान में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भी जितना अंश धर्म का है वही तो संविधान की जान है? बिल्कुल ना हो तो संविधान क्या हो? तो फिर अश्वमेधाधिकारी ही सत्यस्व कर्मणो विरिवत्तर हो गया, तदनधिकारी तू अश्वाभावे स्वात्मान अश्वम कल्पयित्वा स्वशिरा प्रभृतिषु कालादि दृष्टिकरणेन प्रजापतित्वं संपाद्य प्रजापति रश्मीति ज्ञाना तद्भावं प्रतिपद्येत इति भावः। जो अश्ववेध में अधिकृत है वो तो अश्व के अंग प्रत्यंग में काल लोक और देव दृष्टि से प्रजापति भाव को आधान करते हैं। जो उसमें अधिकृत नहीं है लेकिन उसके फल को चाहते हैं, स्वात्मान अश्वम कल्पयित्वा अपने शरीर को ही अपने जीवन को ही पहले अश्व के रूप में कल्पित करते हैं, फिर अपने सिर इत्यादि में काल दृष्टि और देवता इन तीनों का आरोप करके प्रजापतित्व को प्राप्त होते हैं। वो भी अहंग्रह उपास प्रजापति रश्मीति ज्ञानात तद्भावं प्रतिपद्येत, मैं प्रजापति हूँ, ब्रह्मा हूँ, हिरण्यगर्भ हूँ, इस अंग्रह उपासना के बल पर वो क्या होते हैं, प्रजापति के साम्य को प्राप्त होते हैं। सत्य अश्वमेधाधिकारी ही सत्य अश्व, दीर्घ होना चाहिए था। क्या कहाँ है सत्याश्व होना चाहिए? अरे कहाँ है पहली पंक्ति, अश्वमेधाधिकारी ही सत्य अश्व, सत्य अश्व है, ठीक लिखा है सत्य अश्व। ओ क्या वो आपका व्याकरण अंग्रेजी वाला चलेगा क्या? सत्य अश्व, अश्व के रहते, वहाँ तो अश्व है, अश्व में सत्य है, सत्य अश्व नहीं है, सत्य सत्य अश्व ठीक। नहीं शोधन ही कर दिया करिए ग्रंथ में, जहाँ लगे कि ऐसा सोना चाहिए वहाँ कर दिया। एक महात्मा पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, सचमुच में विद्वान थे। तो एक जगह
प्राण आ गया था पाठ, उन्होंने कहा भाई गलत छप गया है, ग्रहण कर दो। हम कुछ बोले नहीं। नासिकागत प्राण का नाम ही ग्रहण इंद्रिय हो जाता है। पाठ ठीक था लेकिन पढ़ाते समय उनको स्मरण नहीं था कि कहाँ ये लिखा है, तो पढ़ाते समय जमीन आसमान का कुनवा जोड़ना पड़ता है, समझ गए? कहीं के ईंट, कहीं के रोरा, भानमती ने जोड़ा कुनवा। एक पंक्ति दो पंक्ति हम पढ़ाते हैं तो उसके पीछे क्या 50 पृष्ठ की सामग्री मन में होती है, तब दो पंक्ति का अर्थ खोल पाते हैं। पढ़ाने वाले के मन में ही संदेह रह जाए, पंक्ति अपना अर्थ न दे, तब तो फिर क्या करेगा? पढ़ने वाले के मस्तिष्क में उसका वास्तव भाव का आदान कैसे कर सके? जो अश्वमेध में अनधिकारी है तो अश्वता वहाँ है ही नहीं। तो स्वात्मानम अश्वम कल्पयित्वा, स्वयं को ही अश्व मानकर स्वशिरा प्रभृतिषु, अपने सिर इत्यादि अंगों में कालाद दृष्टि करे, ऐसा करने पर प्रजापतित्व का संपादन करके, फिर क्या करे? पहले प्रजापतित्व का संपादन करे, फिर क्या करे? प्रजापति ही अस्मिति, प्रजापति रश्मिति, मैं प्रजापति हूँ, इस प्रकार की भावना करे ज्ञान से, तद्भावम प्रतिपद्येत, प्रजापति भाव को प्राप्त होता है। तो ये सब हम लोगों के अजय बनाने वाला ज्ञान है। यानी भारत अजय क्यों था? ये सब ऋषि मुनियों को उपासना प्राप्त थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वैश्वानर भावापत्ति किसी में सूर्य भावापत्ति, किसी में अग्नि भावापत्ति, किसी में हिरण्यगर्भ भावापत्ति थी। तो अजय होते थे, वो देखने में एक होते थे लेकिन करोड़ों व्यक्ति 10,000 महारथों से अकेले लड़ लेते थे भीष्म जी, क्योंकि वसु के अवतार थे। ऐसा द्रोणाचार्य भरद्वाज ऋषि के अवतार थे। ये सब इसका अर्थ है कि एक एक व्यक्ति चलता फिरता देवता समष्टि हिरण्यगर्भ वैश्वानर अग्नि वायु तेज होता था उपासना के बल पर। अब उपासना गई, कर्मकांड गया, कर्मकांड उपासना कांड के बिना क्या हो गया आजकल मालूम है? बुद्धि खाओ भारत में बहुत हो गए, खान बुद्धि खाओ। सबने शोधन किया, क्या शोधन किया मालूम है? साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत मार देंगे, वैराग्य विवेक निरपेक्ष भक्ति मार दिया, भक्ति के नाम पर हजारों लाखों व्यक्तियों को। वर्ण और विधि निरपेक्ष कर्मकांड मार दिया, कर्मकांड के नाम पे करोड़ों व्यक्ति हो गया। अच्छा यम नियम निरपेक्ष योग मार दिया हजारों को, योग के नाम पे सब मारने वाले लुटेरे पैदा हो गए। बहुत विकट बात, रोने की बात है। शास्त्र का कितना दुरुपयोग किया। यम नियम ऐसी घाटी है जिसको पार किए बिना आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो उनका योग आसन से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि जटिल घाटी यम नियम है, उसकी जरूरत। यम नियम निरपेक्ष योग ने मार दिया, योगियों ने हजारों व्यक्तियों को नष्ट कर दिया। और विवेक वैराग्य रहित भक्ति मार्ग ने करोड़ों व्यक्तियों को जानू में डाल दिया। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक तेन चलहि नर मोहवश कल्पहि पंथ अनेक। अब क्या रह गए? साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान ने नष्ट कर दिया व्यक्तियों को, और क्या रह गया? विधि वर्ण
निरपेक्ष कर्मकांड ने मार दिया। जो तारक सामग्रियां ऋषियों ने दी थी सबको मारक बना ली गई, कैसे कल्याण होगा राष्ट्र का। चक्षुष सूर्य दृष्टव हेतु माह शिरसा इति। अब कहते हैं चक्षु में सूर्य की दृष्टि में हेतु क्या है, शिरसा युति भाष्य की पंक्ति। शिरसो अनंतरत्वा सूर्याधिदैवतत्वाच्च व्यका। ऊपर से चले है ना, ध्यान की दो विधा है, ऊपर से नीचे, एक है नीचे से ऊपर, पद राजीव बरन किम जाई, ये सब ध्यान की दोनों विधा भगवान शंकराचार्य के स्तोत्र ग्रंथों में है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो यहाँ ऊपर से चले हैं, सिर के बाद में सिर से नीचे है ना आँख, ये यहाँ काल हो गया सिर के स्थान पर और नेत्रों के स्थान पर सूर्य हो गए। हाँ मन है, क्या कह रहे किसको, क्या कह रहे मंत्र नहीं पढ़ेंगे और बिना पढ़े इतना आ गए क्या, पूरा पहले ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, प्रथम ब्राह्मण मूल पढ़ के उसका अर्थ करके फिर उस पर जितना भाष्य है सब पढ़ने के बाद आनंदगिरी चला रहे हैं। जैसे रात्रि में ब्रह्मसूत्र होता है, अभी सूत्र और उसके भाष्य को चला रहे हैं, जब उस सूत्र का भाष्य पूरा हो जाएगा तो फिर भामती को चलाएंगे। मूल और भाष्य तो पिछले वर्ष हो चुका है, इसलिए ये नहीं कि हम मंत्र को छोड़ दिए अब वो भाष्य को छोड़ दिए, दैव योग से आप आए नहीं थे तो हम क्या करें। चक्षु में सूर्य दृष्टि का कारण क्या है, क्योंकि सिर के नीचे चक्षु है, सिर का पहले वर्णन किया फिर नेत्र का वर्णन। उषसोनंतरत्वम सूर्ये दृष्टम चक्षुषी च, शिरसोनंतरत्वम दृश्यते तस्मात् तत्र तद्दृष्टि ही युक्ते इत्यर्थः। अब कहते हैं उरूपक की दृष्टि से भी देख लीजिए, उषसा काल पहले होगा या सूर्योदय पहले होगा, रूपक में भी देखे, यहाँ सिर पहले है या आँख पहले है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो सिर पहले है आँख पहले, उधर उषा काल पहला है या उषा काल पहला है या सूर्य पहले है, इसीलिए वहाँ भी ऊपर से नीचे चले यहाँ भी, तो रूपक ठीक है। उषसो अनंतरत्वम, उषस के अनंतर, उषा काल के अनंतर सूर्य दृष्टम, सूर्य दृष्टिगोचर होता है, अतः शीर्ष के बाद में नेत्र का स्थान है ही, अतः दोनों में तालमेल बैठ जाता है। चक्षु में आरोप किसका करेंगे, किसकी दृष्टि करेंगे, सूर्य की। चक्षु में सूर्य की दृष्टि करे तो क्या होता है, नेत्र रोग से बचा रहता है, चिकित्सा शास्त्र भी हो गया। सिर में काल की धारणा करे तो क्या होता है, सिर पे कोई डंडा मारेगा तो साहस नहीं करेगा, सिर फूटेगा नहीं। सिर में काल की दृष्टि कह सकते हैं कि आप में ये सब क्यों नहीं है, तो हमने तो अपना मन भगवान में एक एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई हमने प्रयास नहीं किया है,
हाँ चाहें तो ये विद्या प्राप्त है कर सकते हैं, लेकिन हम इतने आलसी हैं कि लिखने पढ़ने में मन इतना लगा रहता है कि कितना भी रोग हो कुछ हो बरसों झेलते रहते हैं, उधर ध्यान भी नहीं जाता। हमारा व्यसन क्या है? भागवत चिंतन, ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन और भव्य राष्ट्र की संरचना में है। इसलिए हाँ, तो सूर्य और चंद्र यहाँ पर केवल सूर्य लिया, सूर्य और चंद्र की उपमा दी जाती है। और तीन आँख हो जाए तो तीन आँख नहीं है आपके, शिव जी के कितने आँख हैं? सूर्य, फिर क्या कहते हैं? सूर्य वैश्वानर और चंद्र, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाया। तीन आँख होंगे तो तीन देवता होंगे, कौन? सूर्य चंद्रमा और अग्नि वैश्वानर है ना, शंकराचार्य लिखा है ना शिव जी के लिए, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाया, चंद्रमा सूर्य और अग्नि तीन नेत्र हैं। तीसरा नेत्र कहाँ है? जहाँ ये लिखा लगा ना बिंदी, यहाँ ये तीसरा नेत्र है, ये क्या है? बंद है, दो नेत्र खुले हैं। अब यहाँ पर कहा कि आँख दो है, कौवा की आँख दो होते या एक? अब बताओ, धारणा के द्वारा इधर ले आवे तो इस आँख से दिखे, इंद्रिय एक है गोलक दो, परंतु धारणा के द्वारा इधर ले आवे तो इस आँख से दिखे, उधर ले आवे तो उस आँख से दिखे, एक साथ दोनों आँखों से नहीं दिखते। तो मान लो कि सूची ने है कौवा वाली आँख दे दी एक ही देवता सूर्य है ना, जाति में एक वचन मानकर, जाति जाति में एक वचन मानकर नेत्र ले लिया, एक एक सूर्य दे दिया, क्या चंद्रमा लेते अग्नि लेते आगे के रूपक में उनको स्थान मिलता है या नहीं, इसीलिए नेत्र एक ले लिया, दृष्टि दो नेत्र एक, ऐसा मन मन एक है, अब मनोवृत्ति अनेक है, ऐसे दृष्टि एक और नेत्र दो है, कान भी कितने हैं? कान दो है पर श्रोत्र इंद्रिय शायद एक ही है, शायद नाक कितने हैं? नाक भी दो गोलक है, और मुंह कितने हैं? एक ही है, अच्छा निस्संदेह ठीक। अब मस्तिष्क एक ही है, हृदय अच्छा हृदय एक है, मस्तिष्क भी एक ही है, गड़बड़ है कि आँख भी एक ही होनी चाहिए थी तो अच्छा रहता, वो आँख एक ही होनी चाहिए थी फिर कहाँ होती, यही होती ना क्या यहाँ से देखते अभिव्यंजक संस्थान दो है। क्या सुनो आप, बल्ब 25 और बिजली कितनी? नहीं नहीं यहाँ भी 25 कर दीजिए, बल्ब 25, पंखा 25, माइक 25, बिजली 25 25 25 75 या एक नहीं 25 माइक काम कर रहे, 25 पंखे काम कर रहे, 25 बल्ब काम कर रहे, तो 75 तो बिजली होनी चाहिए ना, होती है क्या? अरे राम, बिजली एक और यंत्र हो गए 25 25 25 75 ऐसे हो जाए कि आ गई वहाँ बिजली नाम लेते। अब किसी किसी के अभिव्यंजक संस्थान में त्रुटि आ गई तो एक आँख वाला हो गया, एक आँख में मोतियाबिंद आ गए तो
अतिंद्रिय नेत्रेंद्रिय होने पर भी उस आँख के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, ऐसा। तत्रैव हेत्वंतर्मा सूर्येति। अब कहते हैं सूर्याधिदैवत्वाच, सूर्य इनका अधिदैव है इसीलिए नेत्र के स्थान पर। क्या बात है, आकाश पाताल का अंतर हुआ या नहीं? चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मनसो हो जाता, मन से उत्पन्न हुए चंद्रमा या चंद्रमा से उत्पन्न हुआ मन? हाँ, उनका जो अध्यात्म है उससे हमारे अध्यात्म मन का क्या हुआ? उनके अध्यात्म से उत्पन्न जो चंद्रमा है वो हमारे मन का अनुग्राहक, उनका मन कितना दिव्य होगा, कितना उत्कृष्ट होगा। चक्षु से सूर्य, चक्षु सूर्य, वहाँ पांच सूर्य चंद्र दोनों का सूर्य, भगवान के चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए, हमारे चक्षु के देवता सूर्य हैं, वहाँ अध्यात्म के कार्य हैं, हमारे यहाँ अध्यात्म के अधिदैव हैं। एक जगह का अध्यात्म एक जगह के अधिदैव से ऊँचा हुआ या नहीं? भगवान के नेत्र से सूर्य और हमारे नेत्र के अनुग्राहक सूर्य, बहुत अंतर हो गया। ये सब विज्ञान है, उस पर लिखे तो 50-60 पेज में सारी सामग्री चिंतन करके आ सकते। भगवान का मन कैसा होगा जिससे चंद्रमा उत्पन्न हो गया, हमारा मन कैसा है जो चंद्रमा से उद्भासित है? एक से चंद्रमा उद्भासित है और एक का उद्भासक चंद्रमा है। अब यहाँ जो विश्वविद्यालय में कुलपति थे वो काशी में जाके प्रोफेसर रह गए, एक साल और बाकी है। यहाँ जो कुलपति थे काशी में जाके क्या हो गए? यहाँ जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट में सामान्य जस्टिस हो गए, बहुत परिश्रम करने के बाद भी हुआ ना। यहाँ का चीफ जस्टिस भी सीधे वहाँ चीफ जस्टिस हो जाए कहना कठिन है, यहाँ का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का वहाँ जाकर सामान्य जस्टिस हो जाता। आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत इति श्रुतेश्चक्षुषि सूर्योधिष्ठात्री देवता। आदित्य जो है चक्षु होकर अक्ष में प्रविष्ट हो गए, इन श्रुति के द्वारा भी चक्षुष सूर्योधिष्ठात्री देवता, चक्षु के चक्षुष का अधिष्ठात्री देवता चक्षु के कौन है? सूर्य। तेन सामीप्यात तत्र तदृष्टि ही। इस प्रकार से अध्यात्म और अधिदेव में सामा क्या है? सामीप्य है, तो उपमा में भी सामीप्य चाहिए, क्या सामीप्य होने का, सूर्य का और नेत्र का सामीप्य है, एक अधिदैव है एक अध्यात्म है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। नारायण।